ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कर लोगों ने देश के अमन चैन के लिए मांगी दुआएं नमस्कार मैं सना हुसैन और आप देख रहे हैं सी टी टी ट्वेंटी फोर न्यूज़ चैनल उत्तर प्रदेश पगराज नारीबारी मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कर लोगों ने देश के अमन चैन और सलामती के लिए दुआएं मांगी बता दें कि ईद का त्यौहार एक माह रमजान के महीने में अकीदतमंद लोग रोज़ा रख कर चांद देखने के बाद ईद का त्यौहार मनाते हैं इस त्यौहार में नमाज़ अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को सिवाइयाँ खिलाकर मुँह मीठा कराते हैं आज सवेरे नारीबारी मस्जिद में पेश इमाम मोहम्मद अकेल द्वारा ईद की नमाज़ पढ़ाई गई उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने पाए प्रयागराज में कुछ दिनों पहले अति कशरप हत्याकांड के बाद से माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस वजह से पुलिस भी हर जगह मौजूद रही पूरे प्रयागराज में ईद उल फित्र की नमाज जहाँ जहाँ पर हुई है वहाँ पुलिस प्रशासन कड़ाई कड़ी नज़रों से रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना होने पाए नारीबाड़ी में नमाज़ के बाद कमेटी के सदर शौकत अली ने बातचीत में बताया कि यहाँ पर माहौल शांत है यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है जिस तरह पहले त्यौहार मनाया जाता था, था उसी तरह इस वर्ष भी मनाया गया है कि प्रकार का कोई बात नहीं है ईद का त्यौहार शांति ढंग से मनाएं अफवाहों पर ध्यान न दें मस्जिद में सामाजिक नेता मोहम्मद अमीन और मोहम्मद अयूब गुरु नेता असलम सुल्तान मंजूर अहमद करलू मेल तमाम नौजवान युवक व दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए इस दौरान छोटे बच्चों ने में भी काफी उत्साह और ईद की खुशी उनके चेहरे से झलकती नजर आई प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट दिलबर हबीब के साथ भाई आज़ाद की खास रिपोर्ट